पिछले कुछ सालों से यही माना जा रहा था कि ज्यादातर हार्ट डिजीज जो होते हैं वो 55 से 60 साल के लोगों को होते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स की वजह से महिलाओं को काफी हद तक हार्ट डिजीज से सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब कोई भी हार्ट डिजीज की चपेट में आ सकता है। बीते 2-3 साल की बात करें तो कई मशहूर हस्तियों को अचानक हार्ट अटैक के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिस तेजी से यूथ में हार्ट रिलेटेड डिजीज के केस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे डेली बैड रूटीन और जंक फूड खाना या बैड लाइफस्टाइल की ओर इशारा कर रहे हैं। आज हार्ट अटैक सेहत के लिए एक गंभीर समस्या है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि डेली लाइफ रूटीन को हम डिसिप्लिन में लाएं और हार्ट डिजीज रिलेटेड सिम्टम्स को हम अनदेखा ना करें। सांस लेने में तकलीफ, तेज पेट दर्द होना और आराम के बावजूद भी थकान लगना, सीने में जलन, बेचैनी और ठंडा पसीना आना। ज्यादातर हार्ट डिजीज का खतरा किन लोगों में है आपको बता देते हैं। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या जिन्हें डायबिटीज है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री वाले हैं या फिर आप मोटापे से परेशान हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज या डायबिटीज से जूझ रहे हैं, पुरुषों में इसके मामले ज्यादा हैं। अब हार्ट को हेल्दी कैसे रखें, 5 बातों से जानिए। खान पान की बात करें तो मोटे अनाज यानी ज्वार, रागी, बाजरा, आटे से बनी हुई रोटी को खाएं और मीठे फल कम खाएं। फिटनेस की बात करें तो डेली आपको 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें डेली वॉक भी शामिल है, और अपने वेट को जरूर चेक करें। वहीं लाइफस्टाइल की बात करें तो जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत बनाएं और डेली 7 घंटे की नींद भी जरूरी है। स्मोकिंग और एल्कोहल, इन दोनों से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट डिजीज से होती हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक 3 में से 1 मौत हार्ट डिजीज से होती है। इसके 80% मामले दुनिया भर में मध्य आय वर्ग वाले देशों में आते हैं। वीडियो को लाइक करें और साथ ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल AGS Care 360 को सब्सक्राइब करें।